हर व्यक्ति किसी न किसी स्किन डिजीज की प्रॉब्लम से परेशान है, लेकिन चेहरों को छोड़कर वह किसी और भाग में यदि स्किन की प्रॉब्लम हो रही हो तो वे इतनी गंभीरता से नहीं लेता है, जिसके कारण एक गंभीर रूप ग्रहण कर लेती है और प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। ऐसी ही स्किन प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम बात करने वाले हैं कैप्सूल इट्रानॉक्स के बारे में। इट्रानॉक्स कैप्सूल किन किन डिजीजों में देना चाहिए एवं इसके डोजेस किन डिजीजों में कितना देना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह की और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। चलिए जान लेते हैं कैप्सूल इट्रानॉक्स के बारे में। इसमें इट्राकोनाजोल मात्र एक मॉलिक्यूल्स होता है। ये सिप्ला लिमिटेड इंडिया द्वारा बनाया गया है। ये 100 एवं 200 mg में आता है। इसका इस्तेमाल किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। ये फंगस को अपना सुरक्षा आवरण बनाने से रोककर उसके विकास को रोकता है। चलिए जान लेते हैं ये किस तरह से काम में आता है, उसके डोजेज। ये किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करता है। ये टेनिया क्रूरिस, टेनिया कॉर्पोरिस, टेनिया पेरिस, टेनिया मैनुअम, टेनिया कैप्टिस, ओरल कैंडिडाइटिस, वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइटिस, ओनिकोमाइकोसिस फिंगरनेल, ओनिकोमाइकोसिस टोएनेल, पिटीरियसिस वेरिस्कोलर, फंगल केराटाइटिस। चलिए इन सभी को एक एक करके जान लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन, पहले इसमें एक छोटा लाल निशान बनता है, फिर ये एक बड़ा रूप ग्रहण कर लेता है जिसमें खुजली एवं जलन बहुत ज्यादा होने लगती है। इसमें सुबह शाम 100 mg का कैप्सूल कम से कम 21 दिन तक लेना बहुत आवश्यक है। ये घुटने के ऊपर जांघ के बीच में पेट में बड़े लाल चकते बनने लगते हैं। इसमें खुजली एवं जलन बहुत ज्यादा होती है। इसमें कम से कम 21 दिन तक सुबह शाम एक एक कैप्सूल 100 mg का लेना आवश्यक है। टेनिया कॉर्पोरिस, इसको रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें खुजली एवं जलन बहुत ज्यादा होने लगती है। इसमें सुबह शाम 100 mg का कैप्सूल एक एक कम से कम इसमें 21 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक। टेनिया पेडिस, इस डिजीज में पैरों में लाल कलर की पपड़ी दार चकते होने लगते हैं। इसमें जलन एवं खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है। इसको कम से कम 100 mg का कैप्सूल सुबह शाम 30 दिन तक लेना बहुत आवश्यक है। टेनिया मैनुअम, इसमें हाथ में एवं हाथ की उंगलियों में छोटे छोटे लाल चकते बन जाते हैं और फिर यही चकते एक बड़ा रूप ग्रहण कर लेते हैं जिसमें खुजली एवं बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। इसमें 100 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 30 दिन तक लेना बहुत आवश्यक है। टेनिया कैपिटिस, इसको सर का रिंगवर्म कहा जाता है। इसमें सर के बाल पैंच की तरह निकल जाते हैं। इसमें 100 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 30 दिन तक लेना आवश्यक है। ओरल कैंडिडाइटिस, इसमें मुंह के छालों के कारण जीभ पर या गाल के अंदर सफेद घाव हो जाते हैं जिसमें दर्द, जलन एवं मुंह में बदबू होने लगती है। इसमें 100 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 15 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। वल्वो वेजाइनल कैंडिडाइटिस, इसमें वेजाइना में जलन, खुजली, दर्द, पानी का रिसाव, पेशाब के दौरान दर्द, संभोग के दौरान दर्द एवं लालपन हो जाता है। इसमें 200 mg का कैप्सूल कम से कम सुबह शाम 10 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। ओनिकोमाइकोसिस फिंगरनेल, इसमें हाथ के नाखूनों का आकार बदलने लगता है, नाखून टूटने लगते हैं एवं इनका कलर पीला होने लगता है। इसमें 200 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 15 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। ओनिकोमाइकोसिस टोएनेल, इसमें पैरों के नाखूनों का आकार बदलने लगता है, नाखून मोटे होने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, चमक चली जाती है एवं इनका रंग पीला पड़ने लगता है। इसमें 200 mg का कैप्सूल कम से कम 15 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। पिटीरियसिस वेरिस्कुलर, इसमें पीठ में, छाती में एवं कंधों के आसपास सफेद गहरे रंग के दाग दिखाई देने लगते हैं। इसमें खुजली एवं जलन नहीं होती है। इसमें 200 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 10 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। फंगल केराटाइटिस, इसमें कोनिया पर सफेद परत पड़ जाती है। इसमें कोनिया पर सूजन एवं दर्द होने लगती है। इसमें लालीपन आ जाता है एवं धुंधलापन दिखाई देने लगता है। इसमें 200 mg का कैप्सूल सुबह शाम कम से कम 21 दिन तक लेना बहुत ही आवश्यक है। इसमें पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोजेस कम या बढ़ भी सकते हैं। जितने भी डिजीज के बारे में बात की, ये सभी फंगल के कारण होती हैं।
चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो इस दवा के कोई इतने ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आप कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान जरूर होता है। वैसे नॉर्मली इस दवा के भी साइड इफेक्ट हैं, जैसे वॉमिटिंग, उल्टी होना, मतलब पेट में दर्द, हाथ पैरों में कंपन, दस्त, मुंह का सूखना, चक्कर आना एवं नॉर्मली ये सभी साइड इफेक्ट हैं जो सब वैसे और भी मेडिसिनों में होते हैं। इनके परहेज के बारे में बात करें तो आपको किसी भी तरह की खट्टी चीज नहीं लेना है और आपको मीठी चीज कम से कम लेना है। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें और स्वस्थ रहें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकेंगे।